नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8 प्रो वर्सेस टेक्नो स्पार्क गो 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में 6.65 इंच जबकि गो 2022 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि स्पार्क 8 प्रो से कम है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में 3.02 इंच जबकि गो 2022 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि स्पार्क 8 प्रो से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 8 प्रो में 196 ग्राम्स जबकि गो 2022 में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। Any ideas? डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो स्पार्क 8 प्रो में 20:5:9 जबकि गो 2022 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में 6.8 इंचेस जबकि गो 2022 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 8 प्रो में 1080x2460 और गो 2022 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 8 प्रो में 84.73% जबकि गो 2022 में 82.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 8 प्रो में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि गो 2022 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 8 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और गो 2022 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 8 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और गो 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में माली G52 MC2 जबकि गो 2022 में पावर GPU मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में MediaTek Helio G85 और गो 2022 में MediaTek Helio P60 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 8 प्रो में 4GB जबकि गो 2022 में 2GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 8 प्रो में 64GB जबकि गो 2022 में 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 8 प्रो में अप टू 512GB जबकि गो 2022 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8 प्रो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,699 में मिल जाता है। और बात करें गो 2022 की तो वो 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹7,499 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है,
जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क को 2022 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 8 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है, दूसरा माइक्रो मैक्स इन नोट 1 है, तीसरा माइक्रो मैक्स इन 1B है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।